Okay, let's get started with today's review. आज कौन हेल्प करेगा? नासिर, आप बताएंगे क्या हो रहा है मार्केट में आज? नासिर, जी अच्छा नासिर, गो अहेड, बताइए कल क्या हुआ था और अब इस वक्त क्या हो रहा है प्री मार्केट में? जी आज जो हमारी मार्केट अभी जो हमें स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, सबसे पहले जब हम अपना एनालाइज करते हैं स्टार्ट में मार्केट स्टार्ट होती है तो प्री मार्केट ट्रेडिंग चार्ट ये जो हमें साइड आपने बताई है सब फर्स्ट ऑफ ऑल सीन है, इसको पहले देख के एनालाइज किया जाता है कि मार्केट की असल रियल सिचुएशन है क्या। इसमें जो सबसे पहले फैक्टर है वो S&P है, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, जिसका मतलब ना इसे हम एक्चुअल मार्केट की जो है वो इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस वक्त ये जो है -4.75 मतलब डाउन है अभी मार्केट। ओके इसमें नैसडैक प्लस में आ रहा है, जो नैसडैक को असल में ये जो होता है एक्चुअल स्टॉक मार्केट होती है, इसमें हम टेक्नोलॉजी कंपनीज इसमें जो है इंक्लूड होती है। ये आज हमारा पॉजिटिव में है, लास्ट का था ये भी डाउन आ रहा था। थर्ड वन है जो दो फैक्टर है, ये भी सम अप होता है कंपनियों का, यानी कि जो हमारा इंडेक्स होता है नेगेटिव में है इसकी वैल्यू भी। तो ना सर, इस चीज को बोलने के लिए मतलब वी डोंट नीड टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल। अब आपको सबको पता है कि S&P, NASDAQ और DAO क्या चीजें हैं। तो जब मैं कहता हूं कि रिव्यू बताएं इसका, तो रिव्यू इसका सिंपली यही है कि S&P DAO नेगेटिव है, NASDAQ पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव जो है ये भी बहुत मामूली सा है, S&P का नेगेटिव भी बहुत मामूली सा है। DAO का 132 points out of 5,000 points is not a big deal either. तो लेकिन overall जो है markets are mixed. कल का review जो था वो ये था कि DAO 299 points ऊपर positive में close हुई थी, NASDAQ 107, S&P 33 points close हुई थी positive. तो they were all markets were up yesterday. ठीक है? तो जब positive होता है तो markets are up, negative होता है तो markets are down. लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो तो उसको मिक्स्ड कहते हैं, मार्केट्स आर मिक्स्ड। ओके, वर्ल्ड मार्केट्स का बताइए क्या हुआ? वर्ल्ड मार्केट्स में जो हमारा जापान की है वो अप ही रही है, प्लस में है इसका जो परसेंटेज है, पॉजिटिव है। और अगर हम नेक्स्ट वन हांगकांग को देखें तो इसकी परसेंटेज नेगेटिव है, मतलब डाउन रही है मार्केट। उसके बाद इंग्लैंड की भी मतलब ये होगा कि डाउन हुई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। हाँ, लेकिन ये 24 घंटे की नहीं होती, इसके कुछ अपने पीरियड्स होते हैं। तो पिछले पीरियड से अब तक 1.24% कम है, कैपिटल आई थिंक 39.7 ट्रेड कर रहा था। इसी तरह नेचुरल गैस भी एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ डिक्रीज हुआ है, और गोल्ड में भी लिटिल बिट, गोल्ड इतना ज्यादा नहीं है, मनीवर है। ओके ओके कंपेयर टू प्रीवियस मंथ Top gaining and losing stocks in the pre-market? हाँ जी, इसमें ये जो है ये different companies हमारी show हो रही हैं what's moving pre-market में, different हमारी companies हैं। तो इसमें हम ये देखना होता है कि हमारी जिस company का volume ज्यादा होगा तो उसके साथ trading करना हमारा ज्यादा effective रहेगा, ऐसे ही है। हाँ, बस इस वक्त तो रिव्यू तो क्विक होता है, रिव्यू में बस अच्छा, ओके ओके गैप एंड टैपेस्ट्री आर अप। हाँ जी, आप ये गैप से लेके अप टू CNC तक ये हमारी अप है, एंड अदर वन IRGS
RF, NACI, WFC, ये हमारी मार्केट्स डाउन रही हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर कोई पैटर्न्स नजर आ रहे हैं आपको इंडस्ट्रीज के? ये तो सब मुख्तलिफ कंपनीज हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन नीचे अगर आके देखें गोल्डमैन सैक्स, रीजन्स फाइनेंशियल, वेल्स फार्गो, ये तीनों बैंक्स हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री ओवरऑल जो है आज नेगेटिव है। नेगेटिव है, ठीक है, ओके। न्यूज में भी मैंने देखा था वहां पे भी इसी तो हो रहा था। हाँ सही है। अच्छा इसी तरह से ये जो ऊपर ये न्यूज जो होती है ये भी इम्पोर्टेंट होती है कि बैंक्स के ऊपर नई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व ने। जब फेड का लफ्ज इस्तेमाल होता है, फेड का मतलब होता है फेडरल रिजर्व बैंक। तो ये इसको आप समझ लीजिए जैसे पाकिस्तान का पाकिस्तान स्टेट बैंक है। तो उनकी रिस्ट्रिक्शंस में उन्होंने क्या किया है कि उनको ये रिक्वायरमेंट करी है कि कैश जो है उनके पास कैश ऑन हैंड जो है वो ज्यादा होना चाहिए ताकि रिकवरी आती है तो रिकवरी के साथ साथ उनके पास पैसा मौजूद होना चाहिए। अच्छा ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है इसका। कभी कभार ये इसको यहाँ पे लगा देते हैं, अगर आपको मौका मिले तो इसको बुक मार्क कर लीजिएगा। दीज आर द स्टॉक्स कोविड 19 इज इम्पैक्टिंग द मोस्ट एंड द लीस्ट। तो ये एक बहुत अच्छा रिव्यू है एक तरह का मुख्तलिफ कंपनीज का कि कोविड 19 की वजह से इनको या तो बूस्ट मिला है या उनको नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो उसके लिए excuse me, हाँ उसके लिए ये सबसे पहले तो इंडेक्सेस का उसने दिखा दिया, डाउ जोन्स का, S&P का, नैसडैक का और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है ये दिस इज अ सेपरेट थिंग। अच्छा स्टे एट होम स्टॉक्स, ये स्टॉक्स वो हैं कि जो अगर आप घर पे हो तो इन स्टॉक्स को बहुत बूस्ट मिलता है। मसलन नेटफ्लिक्स हो गई, ठीक है, नेटफ्लिक्स आप सबको पता है वीडियो स्ट्रीमिंग फैसिलिटी है। इसी तरह से पैलेटॉन इंटरैक्टिव जो है इसकी तो प्राइस को बस मैंने 44 पे खरीदा था ये, और पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है 58 पे, अब आज 58 पे चल रहा है इस वक्त। तो जिन लोगों ने अच्छे खासे स्टॉक खरीदे हुए थे तो यू कैन सी के एक हफ्ते के अंदर तकरीबन $15-16 पर स्टॉक इंक्रीज हुई है इसकी कीमत। अच्छा इसी तरह से ग्रब हब जो है ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी की कंपनी है। आप रेस्टोरेंट को ऑर्डर करते हैं तो ग्रब हब वाले जो है वहां से फूड पिक करके आप तक ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरह से एक्टिविज़न, ब्लिज़र्ड, ये भी आप। तो इन स्टॉक्स को क्या होता है कि जैसे जैसे ज्यादा केसेस आते हैं कोविड 19 के, इनकी प्राइसेस ऊपर चलती जाती हैं क्योंकि लोगों को ये चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से इन मार्केट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही खबरें आने लगती हैं कि अब जो है ईजमेंट जो है वो शुरू हो रही है, अब लोगों को बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी, रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो रही हैं, तो उन सूरतों में इन कंपनियों के स्टॉक जो है इनकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से वर्क फ्रॉम होम स्टॉक्स जो हैं ये भी कि जब तक आप रिस्ट्रिक्शंस में बैठे हैं, जूम वीडियो हो गई, ओक्टा, स्लैक, इन सब टेक्नोलॉजीज के ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्टॉक्स। स्टॉकिंग अप स्टॉक्स, इसका मतलब ये कि ये बेसिकली वो चीजें कि जहां पे अगर लोगों को घरों में रुकना पड़े तो इन चीजों पे जाके शॉपिंग बढ़ जाती है। तो वॉलमार्ट हो गया, कॉस्टको भी एक सुपर स्टोर है बेसिकली, मेंबरशिप ओनली, तो आप स्टोर के अंदर जा भी नहीं सकते बगैर मेंबरशिप के। तो वो मेंबरशिप जो वो भी डिपेंडिंग $40-45 की मेंबरशिप होती है, तो मेंबरशिप से भी ये लोग काफी पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बल्क सेल जो होती है, थोक के बहुत चीजें ज्यादा बिकती हैं। इसी तरह से टारगेट हो गया, CVS, ये एक बेसिकली फार्मेसी है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो फार्मेसी का एक छोटा सा सेक्शन होता है, बाकी जो है एक तरह का छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर है। कैंपबेल सूप कंपनी, ये कैंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो लोग जब घरों में रुके हुए होते हैं तो उनको सूप चाहिए होते हैं, उनको मुख्तलिफ तरह की प्री मेड फूड आइटम्स चाहिए होते हैं, तो ये वो कंपनी है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है ये आपको पता है
पाकिस्तान में भी काफी एक्टिव है, मल्टीपल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इनकी होती है। तो ये सारी चीजें जो है जैसे जैसे कोरोना वायरस की बुरी न्यूज आती है तो इन मार्केट्स इन स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती है। जैसे अब ये स्टॉक्स हैं जिनकी वैल्यू कम हो जाती है जब रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती है, तो डेल्टा एयर हो गई, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, साउथ वेस्ट एयरलाइंस, इन सब की वैल्यू जो है कम होती है जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती हैं। तो आजकल ये हिस्टोरिक लोज में है, जिन लोगों ने होल्ड किए हुए थे इनके उनको काफी मुश्किल है क्योंकि क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हुई हुई है। पिछले दिनों कुछ बेहतरी हुई थी इनकी वैल्यू में, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये केसेस जो है रिस्ट्रिक्शंस कुछ ईज हो रही थी, ट्रैवल बढ़ रहा था तो इनकी वैल्यू अप्रिशिएट होना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर अचानक से जैसे जैसे COVID-19 के मजीद केसेस आ रहे हैं या यूएस में तो इनकी वैल्यू फिर कम हो रही है। इसी तरह से होटल्स, होटल इंडस्ट्री जो है उनको भी बहुत ज्यादा मसाइल हैं, जैसे ही कोई ईजमेंट की खबर आती है तो इनके स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं। तो आजकल अगर खरीदने हों तो लॉन्ग स्ट्रैटेजी के लिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए, तो ये अच्छे स्टॉक्स हैं इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते हुए खाली प्राइस को नहीं देखते बल्कि इस चीज़ को भी देखते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनियां ऐसी हैं कि जो इस मसले को, ये जो COVID-19 का मसला चल रहा है उसको बेहतर तरीके से हैंडल करने की कैपेबिलिटी है। तो उसके लिए इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ट्यूजडे को इंशाल्लाह आई विल टॉक अबाउट कि किसी कंपनी को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे चेक किया जाता है। फाइनेंशियल सिचुएशन में ये है कि उनकी इनकम स्टेटमेंट, उनकी एसेट्स, उनकी बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में आपको पता चलता है कि उनकी सेल्स कैसी चल रही है, एक्सपेंसेस कैसे हो रहे हैं और ओवरऑल इनकम की क्या सिचुएशन है, प्रॉफिट लॉस की बेसिकली। और बैलेंस शीट जो होती है उसके अंदर उसके कैश रिजर्व्स को मेजर किया जाता है, या लिक्विडेबल सिक्योरिटीज जो उनकी लिक्विड सिक्योरिटीज के जिनको बेच के फॉरन से पैसे कैश जो है कन्वर्ट किया जा सके, उन नंबरों को कैसे ढूंढते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं। तो इन इन स्टॉक्स का अगर ये कंटिन्यू रहती है COVID-19 की रिस्ट्रिक्शंस तो चांसेस हैं कि इनमें से कई कंपनियां जो है वो बैंकक्रप्ट हो सकती हैं। और अगर आपके पैसे किसी बैंकक्रप्ट कंपनी में लगे हुए जहां जो बैंकक्रप्सी की तरफ जा रही हो तो उसके एक तो स्टॉक बहुत तेजी से गिरता है, और ना सिर्फ स्टॉक गिरता है बल्कि बल्कि उसमें जो पैसे लगे होते हैं वो वापस भी नहीं मिलते, बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसमें से कोई पैसा वापस मिले। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब कोई कंपनी बहुत नेगेटिव में होती है तो उसके लिए लाजमी है कि आप उसको अच्छी तरह से समझें उस कंपनी के फाइनेंसेस को बिफोर मेकिंग एनी मेजर इन्वेस्टमेंट। तो एयरलाइंस हो गई, होटल के स्टॉक्स हो गए, इसी तरह से क्रूज लाइंस, क्रूज लाइंस, कॉन्सर्ट्स, थीम पार्क्स, इन सब के भी, कार्निवल क्रूजेस, वॉल्ट डिज्नी, नॉर्वेजियन क्रूजेस, सिक्स फ्लैग्स, ये सारी की सारी एंटरटेनमेंट और ट्रैवल रिलेटेड चीजें हैं, इन सब के ऊपर भी ऑफ कोर्स बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है। ये गेमिंग स्टॉक्स हैं, गेमिंग स्टॉक्स का मतलब है कि बेसिकली जहां आप गैम्बलिंग के बेसिकली हैं ये। तो विन रिजॉर्ट, MGM रिजॉर्ट, सीजर एंटरटेनमेंट, लास वेगस, सैंस कॉर्पोरेशन, ये सारे सारे इनकी भी सबकी वैल्यूज का मैंने सारी बात, वी डू नॉट डील इन दीज स्टॉक्स। बायोटेक स्टॉक्स जो हैं, ऑफ कोर्स बायोटेक स्टॉक्स की अगर जैसे कोई खबर आती है कि इन्होंने कोई कोई अचीवमेंट करी है टुवर्ड्स फाइंडिंग अ क्योर या वैक्सीन, तो इनकी कीमतें बहुत अचानक से ऊपर चढ़ जाती हैं। इनकी कीमतें एक्चुअली पिछले कुछ अरसे के अंदर ही बहुत ऊंची गई हैं। तो जो लोग ये स्टॉक पहले से लेके, बिफोर दिस इश्यू स्टार्टेड, जो लोग लेके बैठे थे उनकी उनकी वैल्यू जो है उसमें उसमें 5 गुना 6 गुना 10 गुना इतने ज्यादा इजाफे हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप खुद अपनी आंखों से ना देख रहे हो कि किस तरह से इनके स्टॉक ऊपर नीचे जाते हैं, जैसे ये मॉडर्ना टेक्नोलॉजीज जो है, मॉडर्ना का स्टॉक जो है ये नॉर्मली अगर आप देखें एक साल का स्टॉक तो इसकी वैल्यू जो है ज्यादा से ज्यादा $17-18 पर स्टॉक के करीब थी। लेकिन पिछले दिनों इन्होंने न्यूज दी कि इनका पहले क्वार्टर का कोई रिजल्ट था टेस्टिंग का तो वो कुछ पॉजिटिव आ रहा है, तो इसकी कीमत $80 से भी ऊपर चली गई थी।
बहुत लोगों ने खरीदा ये एक्सपेक्ट करते हुए कि ये $18 से $80 तक जो पहुंची। आप सोचिए कि अगर आपके पास $1,00,000 होता तो वो तकरीबन $4,00,000 बन जाता उस दिन। तो इतना इतना ज्यादा अप्रिशिएशन थी इसकी कुछ ही अरसे के अंदर, विद इन 6 months। लेकिन वही बात है ना, आइडेंटिफाई करना कि आप खरीदें और फिर उस स्टॉक को लेके बैठे हैं। तो दिस वाज, लेकिन फिर उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पे ये $80 के करीब जाके खरीदा, ये फिर वापस नीचे कोई $50 तक नीचे आ गया था। तो यहाँ पे काफी लोगों का नुकसान भी हुआ। तो एंट्री पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसके बाद फिर अब कुछ रिकवर कर चुका है। इस वक्त जो है $62 पे ये स्टॉक चल रहा है। इसी तरह से नोवैक्स है, गिलियड है, मेरे पास एक और स्टॉक था, अभी कल मैंने उसे बेचा है। मैंने खरीदा था कोई $11 का और कल मैंने उसे $28 पे बेचा है। तो अब यू कैन सी के दुगने से भी ज्यादा उसके अंदर अप्रिशिएशन थी। लेकिन हर स्टॉक के अंदर अप्रिशिएशन इतनी नहीं होती है, कुछ में फायदा होता है कुछ में नुकसान होता है। तो मकसद जो है इस कोर्स का यही है कि उन चीज़ों उसको नुकसान को कम से कम करना और प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना। इसी तरह से प्रिवेंशन स्टॉक्स हैं। प्रिवेंशन स्टॉक्स के अंदर जैसे क्लोरॉक्स आ गए या 3M, ये जो मास्क वगैरह बनाते हैं, तो उनके स्टॉक भी जाहिर बात है कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन उनके अंदर हुई है। ऑयल के स्टॉक्स हैं, ऑब्वियसली ये मसला शुरू होने से पहले भी सऊदी और रशियन जो प्राइस वॉर चल रही थी उसकी वजह से प्राइस ऑलरेडी काफी कम थे, लेकिन कोरोना की वजह से और भी ज्यादा मसाइल हुए कि जैसे डिमांड उसकी खत्म हुई तो उसकी प्राइस भी गिरती गई। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं उनमें कॉपर हो गया, कॉपर की प्राइस के ऊपर भी उसकी वजह से काफी फर्क पड़ा है। जापान और इंटरनेशनल करेंसीज जो हैं वो करेंसीज नीचे की तरफ गई हैं। इसी तरह से क्या होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स के मार्केट्स कितनी वोलेटाइल हैं, तो उस इंडेक्स के अंदर अभी कुछ कमी हुई है कल से आज तक। गोल्ड ऑफकोर्स जब स्टॉक मार्केट्स में टर्मोइल होता है तो गोल्ड की कीमत ऊपर चली जाती है। इसको अगर आप देखें वन ईयर चार्ट, तो वन ईयर चार्ट जो था इसका 1400 से 1500 के दरमियान ट्रेड कर रहा था आज से एक साल पहले। अब वो 1415 से अब 1768 पे पहुंचा हुआ। तो दैट्स अ ह्यूज बूस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। बल्कि अगर आप यहाँ पे देखें ये मार्च का टाइम फ्रेम है, मार्च में भी इसकी वैल्यू कम थी, लेकिन जैसे ही ये कोरोना वायरस की सिचुएशन यहाँ पे यूएस में खराब होना शुरू हुई तो लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में लगाना शुरू कर दिया। इसी तरह से पोटेंशियल वैक्सीन स्टॉक्स, ये फिर अगेन वही एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, मर्क एंड को, इनके जो मेडिकल सप्लाईज की यूनिट्स हैं उनकी वैल्यूज ऑब्वियसली काफी ऊंची है। तो मार्केट में जब भी कोई पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, हेल्थ केयर फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी इंडस्ट्रीज में कौन सी कंपनीज जो है ज्यादा बेहतर करेंगी वर्सेस वो कंपनियां जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगी, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनके ऊपर नजर होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर बात है ये सब चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली डील कर रहे हैं, आपको इन सेक्टर्स की समझ आ रही है, तो यू विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज फ्लक्चुएशंस इन अ पॉजिटिव मैनर। क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये करूंगा कि आपने जैसे एंट्री की बात की, तो मतलब ये कि जब मार्केट नीचे गई है फिर मार्केट थोड़ी राइज करे ऊपर जा रही है, तो वो बेहतर पॉइंट होगा एंट्री का? हाँ, तो उसे कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम ये है कि बाज़ोकात जब मार्केट काफी नीचे चली जाती है तो खरीदने वाले जो होते हैं वो खरीदारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट में अब कुछ होपफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो वो जब खरीदना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से डिमांड चीजों की बढ़ती है, स्टॉक की डिमांड बढ़ती है। जब स्टॉक की डिमांड बढ़ती है तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। अच्छा, तो अब जब ये एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है
तो उसमें उसमें लोगों को ये उम्मीद होती है कि ये कीमतें बढ़ती रहेंगी, लेकिन जाहिर बात है किसी न किसी जगह पे जाके उसको स्टॉप भी लगता है, वो करेक्शंस भी आती हैं उसके अंदर। करेक्शंस का मतलब होता है कि जब कोई वैल्यू किसी स्टॉक की बहुत ऊंची चली जाए अपने अपने एक्चुअल लेवल से, तो वो करेक्शन की टेरिटरी में आ जाती है कि वो अपने आप को, जैसे अभी मैंने आपको मॉडर्ना का दिखाया कि वो 82 डॉलर तक चली गई थी, 17-18-19 डॉलर से 82 डॉलर तक, तो फिर उसकी वैल्यू में कुछ करेक्शन आई, तो अब आजकल वो 60 डॉलर के अराउंड जो है सेटल हुई है। तो जब मार्केट्स नीचे होती हैं लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। जब मार्केट काफी ऊंची चली जाती है तो फिर लोग बेचना शुरू कर देते हैं जिन्होंने खरीदा हुआ था, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो वो बहुत सारे लोग जब बेचना चाहेंगे अपना प्रॉफिट निकालने के लिए तो सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ती है तो कीमत कम हो जाती है, तो यही साइकिल जो है मुसलसल ऊपर नीचे की तरफ चलता रहता है। तो उसमें इसमें लाजमी नहीं है कि आप हर वक्त जब मार्केट बिल्कुल डाउन हो तो जब ही खरीदें चीजें। अगर एक चीज मोमेंटम में जा रही है, जैसे आप अमेज़न का स्टॉक अगर देखें आप, तो लेट मी एक्चुअली ब्रिंग अप अमेज़न का चार्ट। अमेज़न का चार्ट जो है ये इस तरह से ऊपर जा रहा है कि मार्केट में कुछ भी सिचुएशन होती रहे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता अमेज़न के स्टॉक को। तो आई थिंक आई नीड टू रीस्टार्ट दिस सिस्टम, एक सेकंड दीजिए। तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात मोमेंटम, मार्केट का मोमेंटम जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कि उसकी स्टॉक की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली ऊपर चलती जाती है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेज़न का कोई रियल कंपेटिटर नहीं है, अमेज़न इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, तो उसकी वजह से चाहे COVID-19 की सिचुएशन बुरी होती जाए तो ये होप होती है कि अब लोग घरों में होंगे, घरों से बैठ के ऑर्डर करेंगे चीजें, जो फिजिकल स्टोर्स हैं उनमें तो नहीं जा सकेंगे, तो उसकी उसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब कोई कोई न्यूज आने लगती है कि अब मार्केट खुल रही है तो लोग फिर भी अमेज़न के स्टॉक्स को खरीदते चले जाते हैं इस होप में कि मार्केट, उसने जो मार्केट कैप्चर कर लिया उसकी वजह से लोगों को जब एक दफा आदत पड़ जाती है तो वो अब खरीदते ही रहेंगे अमेज़न से, किसी और की तरफ जाना जो है लोगों का मुश्किल हो जाएगा। जिसमें हकीकत है कि जब आप पहली दफा ऑर्डर करने में मुश्किल होती है, लेकिन जब आपको एक आदत हो जाती है तो कन्वीनियंस का फैक्टर जो है वो भी बीच में आ जाता है कि कीमतें भी रिलेटिवली कम होती हैं इनकी रेगुलर सुपरमार्केट से, और ऑन टॉप ऑफ दैट कन्वीनियंस का फैक्टर, आपने ऑर्डर प्लेस किया 2-4 दिनों में डिलीवर हो जाती हैं चीजें। तो देखते हैं अभी ओके तो यहाँ देखिए ये अमेज़न का 20-day, 1-hour चार्ट है। अगर इसी चीज को मैं 10-year वीकली चार्ट में लेके आऊँ तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि कहीं पे कुछ थोड़ी बहुत कम होती भी है कीमत, और आप उसको लेके बैठे रहे हैं तो कीमत फिर बढ़ती जाती है, यानी कोई स्टॉप नजर नहीं आ रहा इसके अंदर। और फिर एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ नीचे आपको ये जो नंबर्स, ये जो रेड कलर के साइन नजर आ रहे हैं, ये वाले रेड साइंस, ये कॉन्फ्रेंस कॉल, ये फोन टेलीफोन बना हुआ है, तो ये कॉन्फ्रेंस कॉल इनकी होती है। अक्सर कंपनियों की आपको ये नजर आएगी अर्निंग रिपोर्ट्स, तो अर्निंग रिपोर्ट्स में इन्होंने क्या किया कि डिविडेंड पे किए $3.77 का, 557 का एक्चुअल डिविडेंड पे किया इन्होंने इस पीरियड पे, फिर ये $6.04 का डिविडेंड पे किया, $7 का डिविडेंड पे किया, यानी अगर आपने स्टॉक्स ओन किए हुए आप उनको बेच भी नहीं रहे हैं तब भी वो आपको प्रॉफिट में हिस्सा जो है वो देते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से इस तरह की कंपनियां जो हैं वो दे कंटिन्यू टू, ये मोमेंटम ऐसा बिल्ड हो जाता है कि बेशक प्राइस ऊपर जा रही है आप फिर भी खरीदते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे अगर आप बेचना भी चाहेंगे तो प्रॉफिट में बिक जाएगी। तो सब कंपनियों के साथ ये नहीं होता, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड के फाइनेंशियल सिचुएशन उस कंपनी की क्या है। अमेज़न की ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, दे हैव अ लॉट ऑफ कैश टू बर्न थ्रू, कि अगर कोई इनके ऊपर मुश्किल आ भी जाती है तो उस मुश्किल
को वेदर करना जो है उस मुश्किल को फेस करना इनके लिए रिलेटिवली आसान है बजाय कि दूसरी कंपनियों के. ओके बट डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस इट्स क्लियर. ओके और कोई क्वेश्चंस? अभी मैं कंटिन्यूअसली तकरीबन 3-4 दिन से जूम का भी देख रहा था, उनकी भी प्राइस मतलब कल भी मैं ट्रेडिंग कर रहा था मार्केट में तो राइज कर रही थी प्राइस, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या मुझे लेने चाहिए या वेट करना चाहिए जब वो मतलब जब उसकी वैल्यू डाउन हो. हाँ तो अगर तो आप मोमेंटम के अंदर खरीद रहे हैं तो यू हैव टू कीप अ क्लोज आई कि कितना ऊंचा जा रहा है. अगर आप स्क्रीन के ऊपर सामने नहीं बैठे हैं तो इस तरह की स्ट्रैटेजी बैकफायर भी कर सकती है. तो लेकिन अगर आप यहाँ देखें कि कहीं पे यहाँ इस पॉइंट से होकर नीचे भी अगर गई थी और फिर फर्दर नीचे भी गई है तो फिर उसने रिकवर कर लिया, ठीक है, विद इन 2 days. तो लाइक आई सेड कि जूम जो है अब ये ऐसा स्टॉक है कि जिसकी एज लॉन्ग एज कोरोना वायरस की सिचुएशन जो है बुरी न्यूज आती रहे तो ये ऊपर चलता जाएगा. लेकिन इसकी इसको अगर आप देखें पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर जब कोई अच्छी खबर आना शुरू हुई थी इकॉनमी खुलने की सूरत में तो यहाँ से नीचे काफी ड्रॉप कर गया था, ठीक है, ड्रॉप क्वाइट अ बिट. ये देखें ना ये तारीख क्या थी, June 4th, राइट, June 4th को सबसे हाई था लेकिन June 8th तक पहुंचते ये June 8th तक तो काफी ड्रॉप हो चुका था क्योंकि June 8th जो थी ये मार्केट वाज हिस्टोरिक हाई ऑन दैट डे, क्योंकि हर किसी को ऑप्टिमिज्म नजर आ रही थी कि ये इसकी सिचुएशन कुछ बेहतर होने लगी है मार्केट की. तो लेकिन फिर उसके बाद फौरन उसके अगले दिन जो था मार्केट जो है ड्रॉप होना शुरू हुई, जैसे मार्केट ड्रॉप होना शुरू हुई है ये राइज होना शुरू हो गया. तो कुछ स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट के साथ चलते हैं, कुछ मार्केट के ऑपोजिट चलते हैं, राइट. तो ये वो स्टॉक है जो मार्केट के ऑपोजिट चलता है. मार्केट ऊपर जाती है तो ये नीचे आना शुरू हो जाता है बिकॉज लोगों को होप हो रही होती है कि अब जो है इकॉनमी खुलना शुरू हो जाएगी. तो लेकिन जैसे ही फिर खबर आती है कि इकॉनमी बंद है तो ये फिर ऊपर जाना शुरू हो जाता है स्टॉक. अच्छा एक चीज ये है कि ये जो स्टेबल कंपनीज होती हैं जैसे अमेज़न है तो इसमें रिस्क फैक्टर तो फिर बहुत कम होता है क्योंकि इनके जो शेयर्स हैं नॉर्मली नीचे नहीं जाते. हाँ जाते भी हैं तो रिकवर हो जाते हैं, जाते भी हैं तो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन इस चीज को भी देखने का फैक्टर है कि उनके शेयर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. जैसे अमेज़न का शेयर जो है तो अगर आपने 10 शेयर खरीदे हों तो $27,000 पे पहुंच गए, राइट, सिर्फ $10 करके. तो स्टेबल तो है लेकिन शेयर एक्सपेंसिव है. और अगर खुदा न खासा इस कंपनी को कुछ होता है तो आप इमेजिन करें कि 10% ड्रॉप का मतलब जो है वो ये होगा कि $270 का ड्रॉप, इसमें $270 का ड्रॉप 10 शेयर्स के ऊपर, यानी $3,000-$4,000 गए. तो इसलिए यू हैव टू वे फैक्टर. फिर इसी तरह से ये होता है कि जो छोटी कंपनीज हैं बाज़ूकात उनका रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा होता है, इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड कम है तो बिकॉज ये स्टेबल हैं. जब वो स्टेबल हैं तो रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड भी कम है, जबकि छोटी कंपनीज जैसे लेट मी शो यू मॉडर्ना का स्टॉक जो है जिसमें अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप खाली 1 year का स्टॉक देखें तो 1 year, 1 साल पहले इसकी कीमत $11.54 थी, ऊपर गई है तो 87 पे चली गई है. तो ये तकरीबन 8 गुना प्रॉफिट है यहाँ पे, राइट, कि अगर आपने $100,000 लगाया हुआ तो वो अचानक से 1 साल के अंदर 8 लाख से भी ऊपर चला जाता है.
लेकिन इन कंपनियों का रिस्क भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि खुदा ना देखिए अगर यहाँ पे आपने खरीदा होगा जब ये 87 पे चल रहा था, तो 87 से नीचे $51 तक आता, 51 भी क्या 47 तक नीचे चला गया था। तो ये कुछ दिनों में हुआ ये सब कुछ, यानी ये जो ये मई 18 है और ये मई 27 है, 9 days के अंदर, एक हफ्ते के अंदर अगर आपने 870,000 के शेयर खरीदे, इसमें 1,000 शेयर खरीदा है, हाँ तो इसकी कीमत ड्रॉप होके 51 तक 5 लाख तक भी आ सकती है। तो दिस इज अ वेरी हाई रिस्क कंपनी और वो पैसा अभी तक रिकवर नहीं हुआ लोगों का, ठीक है, यू कैन सी क्या जिस बात को 1 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई है। तो इस तरह के रिस्क जो है छोटी कंपनियों के अंदर, अभी छोटी कंपनी में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस कंपनी को जाके फिनविज में चेक करें, फिल्म इसमें मॉडर्ना, यहां पे अगर आप देखें तो इवन दो इसका कैप जो है मार्केट, क्योंकि ये ड्रग कंपनी है, ड्रग मैन्युफैक्चरर, मार्केट कैप इस वक्त इसका 23 billion पे पहुंच चुका है। It was a few million dollar company before this whole issue started. और अब इसके employees में 830 employees हो चुके हैं। लेकिन इस company की सबसे interesting बात ये कि इनकी कोई product नहीं है अभी तक। They have not sold anything. ठीक है? That's one of the amazing things कि कोई business नहीं कर रहे हैं ये। सिर्फ ये हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एरिया में सिर्फ उम्मीद पे ये कंपनी चल रही है कि एक दिन ये कोई ऐसी दवा बनाएंगे कि जो मेडिकल हिस्ट्री का की डायरेक्शन चेंज कर देगी। अब इस चीज का कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी की कोई प्रोडक्ट है या नहीं है, उसके लिए आपको वही कंपनी की प्रोफाइल जैसे चेक करते हैं, CNN कंपनी प्रोफाइल, नहीं ये तो किसी और उसमें चला गया है, आप बेसिकली उसी CNN money.cnn ये जहाँ पे ये आता है, इसको अगर आप किसी एक कंपनी को खोलिए तो यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल को जहाँ पे यहाँ पे क्लिक करते तो यहाँ कंपनी के बारे में डिटेल आ जाती है। इसी तरह से कंपनियों के बारे में रिव्यूज होते हैं, उन रिव्यूज के लिए बेसिकली वही जैसे हमारा है ये फिनविज का, फिनविज वाले में अगर आप नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे न्यूज वगैरह मौजूद है, इन न्यूज के अंदर भी आपको पता चलता जाएगा कि कहाँ पे किन कंपनियों का की क्या सिचुएशन चल रही है। तो न्यूज पता हो कंपनी के बारे में या नीचे इसके अंदर भी एक्चुअली में लिखा हुआ है उसकी कंपनी की प्रोफाइल, तो आपको वहाँ वो CNN मनी वाले उस पर भी जाने की जरूरत नहीं है। इसी में फिनविज में जब आपने उसको सर्च किया है तो न्यूज के बाद अगला सेक्शन जो है वो मॉडर्ना के बारे में कंपनी की प्रोफाइल है, और फिर उसके बाद एक्चुअली इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे भी मौजूद है। ये जो जून 24 को इन्होंने बेची है, नहीं जून 24 वाली नहीं, मई में कहीं इन्होंने कुछ बेचा था तो जिसकी वजह से काफी इनको हीट आई थी कि इन्होंने खबर रिलीज करी जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है अप्रिशिएट हुई, और उसके बाद इन्होंने अपने स्टॉक्स जो बेचना शुरू कर दिए जो इंटर्न इनसाइड ऑफिसर्स जो थे। तो Anyway, all questions? Naveed bhai, mere khayal se wo jo trend line aap kah rahe the, sorry not trend,
सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बता सकते हैं या सिर्फ कंपनी के बारे में क्वेश्चंस करने हैं अभी? नहीं, गो अहेड, इट्स ओपन ओपन फील्ड, गो अहेड भाई। वो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस में 90 जो फर्स्ट सेशन था हमारा, राइट, उसमें आपने जो लाइंस बनाई हुई थी, मैं यूट्यूब से वो देख रहा था दोबारा, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी वो किस पर्टिकुलर चार्ट पे बनी है। वो 3 डे के चार्ट पे बनी हुई थी, 5 डे के चार्ट पे जो आपने शो किया, सॉरी 5 डे या 15 मिनट, समथिंग लाइक दैट भाई, और एक 1 ईयर का चार्ट होता, तो वो किस पे लाइंस बनानी चाहिए और वो उसके लिए क्या की रिक्वायरमेंट्स हैं, की फैक्टर्स क्या रखने चाहिए सामने? ओके, तो जहां तक तो टाइम ड्यूरेशन का ताल्लुक है, कोई लाजमी नहीं है कि आपने किसी स्पेसिफिक चार्ट के ऊपर बनानी है। आप डेली चार्ट के ऊपर भी बना सकते हैं, वीकली पे भी बना सकते हैं, 5 डे के उस पे, 20 डे के उस पे, 6 महीने के, साल के उस पे, ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो उसी तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन डिफरेंट होंगी, कि अगर आप एक साल तक रखना चाहते हैं स्टॉक को, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन डिफरेंट होंगी एक साल के चार्ट के लिए। अगर आप उसको कुछ घंटों के लिए रखना चाहते हैं, तो फिर शायद पिछले 3-4 दिन का डेटा भी काफी है आपके लिए। तो बेसिकली आप कोई चार्ट पकड़ लें, मसलन ये जो है ये कितना का था, 1 ईयर 1 डे का चार्ट था जिसको मैंने जूम इन किया हुआ है। इस पे अगर देखें तो ये क्लियरली ये आपकी एक रेजिस्टेंस की लाइन है, राइट? तो लेट मी मेक इट बिगर एंड गो टू ड्राइंग, ड्राइंग्स, ड्राइंग टू, और ये ड्राइंग टूल्स, और ये प्राइस लेवल जो है इसको मैंने सेलेक्ट किया है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि दिस इज वन ऑफ द रेजिस्टेंस, जी भाई, ठीक है। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ से देखना शुरू करें, तो इसकी प्राइस यहाँ कहीं शुरू हुई थी, इसको उसने दोबारा कभी टच नहीं किया, तो ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंट बेस सपोर्ट लेवल है कि अगर कहीं भी इसकी कीमत कम होना शुरू होगी, तो जब इस लेवल को टच करेगी तो फिर ऊपर जाने का इम्कान ज्यादा है इसका। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने से पहले और कई लेवल्स हैं। मसलन ये यहाँ पे गई, यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस का लेवल बना, क्योंकि यहाँ इसको कहते हैं टेस्टिंग रेजिस्टेंस, तो टेस्टिंग करी उसने लेकिन फेल हो गई, इससे ऊपर नहीं जा सकी और प्राइस लेवल उसका ड्रॉप होना शुरू हो गया। अब यहाँ आके फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल बन गया एक नया, क्योंकि लोगों ने, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ तक तो अच्छी प्राइस थी प्रॉफिट लेने के पॉइंट, लेकिन इसके बाद जो खरीदने वाले थे उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया इस होप में कि ये दोबारा इस पॉइंट को जब टच करेगी तो वो उसको बेच देंगे, राइट? तो यहाँ पे लोगों ने खरीद लिया, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि कीमत फिर बढ़ना शुरू हो गई। दोबारा इससे जाके इस लेवल को दोबारा टेस्ट किया, यू कैन सी, राइट? तो टेस्ट करते ही फिर नीचे की तरफ आई है, लेकिन अब इसका सपोर्ट लेवल जो है वो चेंज हो गया, राइट? तो यहाँ पे लोगों ने समझा है कि यार इसकी प्राइस और ऊंची जा सकती है, तो मजीद खरीदो। जैसे खरीदना शुरू किया तो अब इसका एक मोमेंटम बन गया। अब वो मोमेंटम बनते बनते अब लोग जो है ना सिर्फ होल्ड करके बैठे हैं, बल्कि नए इन्वेस्टर्स जो है वो भी आते जा रहे हैं अब इसके अंदर। अल्टीमेटली यहां तक पहुंचा, ये उसकी एक रेजिस्टेंस बनी, नीचे आया, यहाँ पे एक नया सपोर्ट लेवल बन गया उसका, लेकिन इसको टच करने के बाद अब ये दोबारा, अच्छा, अगर ये स्टॉक अब दोबारा कहीं नीचे आएगा तो अगला लेवल कहाँ होगा, कहाँ जाके प्राइस रुकेगी? वो इस लेवल पे जाके प्राइस रुकेगी, यहाँ पे जाके आपको कोई पॉज नजर आएगा उसके ड्रॉप होते हुए में, विच इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव सीन यहाँ पे। ये देख रहे हैं ना आप कि जब ये 87 से ड्रॉप होना शुरू हुई है, तो ये एक ठीक है, यहाँ पे उसने टेस्ट किया और फिर फर्दर नीचे गिरती गई, लेकिन फिर जैसे ही उसने इस लाइन को टच किया तो फिर उसके बाद लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है? तो ये अब उसकी एक सपोर्ट लेवल, ये कीमत जो है इसकी अच्छी कीमत है, लेकिन उसके बाद से फिर कॉन्स्टेंटली ये वाली सपोर्ट लाइन जो है ये मौजूद है। इस सपोर्ट लाइन को अभी तक उसने टच नहीं किया, इसके ऊपर ऊपर से ही फिर वापस ऊपर चली जाती है, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि ये अब काफी स्टेबल हो गई है, ये इस रीजन के अंदर, इस प्राइस डिफरेंस के रीजन के अंदर फ्लक्चुएट कर रही है, राइट? तो नाउ इज दिस साइंटिफिक और इज इट
is it more hunch? So it is hunch, yani subjective hai ye, lekin ट्रेनिंग जैसे अब आपकी हो रही है इसी तरह से बाकी भी जितने इन्वेस्टर्स बैठे हैं उनकी भी इसी तरह से ट्रेनिंग हुई हुई है ठीक है तो वो भी इसी तरह से लाइनें लगा के बैठे हैं तो उन्होंने जो अपने लिमिट ऑर्डर्स लगाए होते हैं वो इसी तरह से लगे हुए होते हैं कि अच्छा जब प्राइस इस लेवल को टच करने लगे तो उस वक्त कुछ खरीद लो तो वो ऑटोमेटेड ऑर्डर्स होते हैं कुछ लाइव ऑर्डर्स होते हैं तो जैसे भी आ रहा है बॉटम लाइन ये है कि इस लेवल को जहां कहीं टच करेगी तो खरीदारी जो उसकी शुरू हो जाएगी विच विल सेंड इट अपवर्ड ठीक है तो जब सब लोग मिलके एक जैसी स्ट्रेटजी कर रहे हैं तो उसमें मार्केट के ऊपर जो इंपैक्ट है वो कुछ समझने के काबिल हो जाता है राइट तो रवि इसका मतलब है कि हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो अभी आप जिस तरह बता रहे हैं हम लोग काफी हद तक ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर हम इन रूल्स को भी फॉलो करें अगर हमें इसी तरह से पैटर्न्स होते हैं ये स्टडीज आपको लाइनें नजर आ रही होंगी राइट ये येलो कलर की लाइन है स्टील कलर की है यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की लाइन है ये लाइन है जो ये मुख्तलिफ तरह की स्टडीज है इनके ऊपर देखिये स्टेटिस्टिक्स के अंदर आप पास्ट स्टेटिस्टिक्स को इस्तेमाल करके आगे की कोई ना कोई प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं तो वो स्टडीज कहाँ से यहाँ पे ये स्टडीज का टैब है उसके अंदर यू कैन ऐड अ क्विक स्टडी और मुख्तलिफ तरह के स्टैटिस्टिकल मॉडल्स मौजूद हैं इन मॉडल्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीक प्रोबेबली नेक्स्ट वेंसडे को आई विल टॉक अबाउट दीज मॉडल्स लेकिन ये के आई जस्ट वांट यू टू सी कि कितनी स्टडीज हैं हर स्टडी के अंदर फिर ये देखें कितनी सब स्टडीज है उनकी स्पेशलाइजेशन फर्दर तो अब इन सारी स्टडीज की वजह से क्या आपकी इकोनॉमिक एनालिसिस बेहतर हो सकता है यू नो श्योर ऑफ कोर्स इट इज बेटर टू यूज सम मैकेनिज्म के कोई रीजन है जिसकी वजह से आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं ये नहीं है कि बस ये यार इसकी प्राइस थोड़ी कम हो रही है तो मैं इसको खरीद दूं और ये ऊपर होगी तो बेच दूं ठीक है मतलब अल्टीमेटली तो वही गोल होता है लेकिन यू कैन नॉट बिल्ड अ बिजनेस बेस्ड ऑन दैट काइंड ऑफ हंच आपको कोई टेक्निकल उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि कीमतें कैसे ऊपर नीचे जाती हैं ठीक है तो ये स्टडीज जो हैं दे अलाउ अस टू अंडरस्टैंड फिर उनकी स्टडीज के मुख्तलिफ इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं जैसे अगर आप ये पॉइंट ये जगह देखें इस जगह पे तो ये देख रहे हैं आप ये जो ये लाइन थी ब्लू कलर वाली और येलो कलर वाली ये तकरीबन एक दूसरे को टच करने लेकिन एग्जैक्टली टच नहीं किया लेकिन कई आती हैं कि जहां पे ये एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती हैं तो वो क्रॉस ओवर के बाद जो है रेजिस्टेंस लेवल जो होते हैं वो सपोर्ट लेवल बन जाते हैं सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल बन जाते हैं यू नो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं when those types of things start happening you start to see patterns so as we go along with this course you'll see ke we'll talk about a number of studies unme jo sabse zyada important studies hain wo basically simple moving average aur exponential moving average ki hain to yahan pe agar aap dekhen to ye moving averages ka section hai moving averages ke section ke andar phir मुख्तलिफ तरह की मूविंग वो हैं सिंपल मूविंग एवरेज ये सिंपल मूविंग एवरेज हो गई इसी तरह से वेटेड मूविंग एवरेजेस हैं मिडल हाई लो मूविंग एवरेजेस लेगेसी ईएमएस तो ये मुख्तलिफ तरह की मूविंग एवरेजेस यहाँ पे मौजूद हैं तो विल टॉक अबाउट सम ऑफ दीज एज वी गो अलोंग कुछ जो है ज्यादा स्टैंडर्ड है हर किसी को समझ आ जाती है तो लोग जरा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कुछ स्टडीज जो है वो जरा उनकी वजह से कुछ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती लेकिन जो बहुत हाईली टेक्निकल लोग होते हैं उनको उसमें पैटर्न्स नजर आते हैं तो वो लोग उनको प्रेफर करते हैं तो मूविंग एवरेजेस जो है वो दे आर मूविंग एवरेजेस मुख्तलिफ तरह की सिंपल मूविंग एवरेज मुख्तलिफ की जैसे 5-day moving average हो गई, 20-day moving average हो गई, 52 weeks moving average यानी 52 weeks का मतलब एक साल की moving average
مختلف طرح کے اسٹینڈرڈ استعمال کیے جا سکتے ہیں لائک آئی سیڈ وی ول ٹاک اباؤٹ دس نیکسٹ ویک انشاءاللہ دے ڈو ہیو این امپیکٹ ان ہیلپنگ یو نوید تھینک یو بھائی نوید کین آئی آسک کوئسچنز شور گو اہیڈ Shortly today you talked about a biotech company whose shares went actually quite exponential almost many times even though they had no product in the market. So what may be the reason that their shares went actually up? Is it actually especially for example is that the investment coming from actually some of the very high ups for example let us say that the Melinda Foundation put actually $500,000 grant to that company or something so is it actually something like this those types of news definitely can have an impact lekin ye jo Moderna ki jo specifically itni unchi gayi thi wo yahan pe ye news thi nahi this is June so wo usse bhi purani news hai yahan pe ab nazar bhi nahi aa rahi hai there was a news similar to this news ki jaise ye Moderna to start phase 3 clinical unka phase 1 ka clinical trial jo tha उसके रिजल्ट्स आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है लेकिन कोई डिटेल्स नहीं दी थी तो उसकी वजह से उस न्यूज की वजह से उस ट्रायल के न्यूज की वजह से उनकी कीमतें जो थी वो $82 पे पहुंच गई लेकिन कुछ ही दिनों में उसके उस न्यूज के आने के बाद लोगों ने जब उसका डेटा उनसे मांगा तो उन्होंने डेटा नहीं प्रोवाइड किया तो उसकी वजह से कीमत जो है फिर लोगों को ये शक होने लगा कि शायद ये लोग कोई फ्रॉड कर रहे हैं तो उसकी वजह से उसकी कीमत जो थी वापस $47-48 तक नीचे ड्रॉप हुई लेकिन फिर जब से लेके अब तक उन्होंने फिर कई कांस्टेंटली ये देख रहे हैं आपके रोजाना की बेसिस पे कई मल्टीपल न्यूज आइटम्स आ रहे हैं इनके बारे में तो यू कैन सी कि देयर इज अ हाइटेंड मीडिया स्क्रूटनी ऑन देम तो इतनी स्क्रूटनी के बाद जो है लोगों को फिर ये यकीन होना शुरू हो जाता है कि चूंकि बाहर से कई लोग देख रहे हैं इनको अब तो इनकी न्यूज में बिल्कुल आउटराइट फ्रॉड तो नहीं होगा तो कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है फिर ये कि कंपनी का साइज जो है वो भी अब इतना बढ़ चुका है कि दिस इज नाउ अ मेजर प्लेयर कि जैसे आपने मुख्तलिफ फाइजर का नाम अगर आपने सुना हुआ हो मर्क का नाम सुना हुआ हो कि जो मेजर ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उसी तरह से मॉडर्ना भी अब उस कैटेगरी को टच करता जा रहा है लेकिन इसकी होप जो है ज्यादा है क्योंकि इनका फोकस जो है वो इस तरह के फैक्टर पे है ना ये देखें ना ये क्या चीज है मॉडर्ना इज अ क्लिनिकल स्टेज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी तो ये सिर्फ क्लिनिकल स्टेज के ऊपर काम करते हैं डेवलप थेरेप्यूटिक्स एंड वैक्सीन बेस्ड ऑन मैसेंजर RNA फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस इम्यूनो ऑनकोलॉजी कैंसर से रिलेटेड rare disease and cardiovascular diseases. As of February 15, 2019, the company had 11 programs in clinical trials and a total of 20 development candidates in six modalities, comprising prophylactic vaccines, cancer vaccines, intramural immuno-oncology, localized regenerative therapeutics, system secreted therapeutics and system intracellular therapeutics. The company has strategic alliances with AstraZeneca, Merck, Vertex Pharmaceutical. So ye basically sirf therapeutics jo unko develop karte hain dawaiyon ka method dawaiyon ko deliver karne ka wo develop karte hain uske baad jab actual manufacturing aati hai to usme wo jo traditional pharmaceutical companies hain unke sath ye kaam karte hain बायोमेडिकल ठीक है तो इस तरह से जब हम ये बात कहते हैं कि जी इनकी कोई मार्केटेबल प्रोडक्ट नहीं है तो दैट स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ मे बी मिसलीडिंग क्योंकि ये कंपनी एग्जिस्ट करती नहीं है कि इनका कोई प्रोडक्ट हो ठीक है इनका प्रोडक्ट जो है वो तो इंटरनल प्रोडक्ट ही होगा ना अल्टीमेटली तो AstraZeneca, Merck इस तरह के लोग ही खरीदेंगे
तो वो जब खरीदते हैं तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ रिसर्च होती है, तो वो इसी तरह से होती है। इसमें जो है ना वो मेरा सेकेंडरी क्वेश्चन है, बेस्ड अपॉन एक्चुअली वन ऑफ द प्रीवियस न्यूज आइटम ऑफ द सिमिलर कंपनी इन व्हिच वन आई डोंट नो द नेम ऑफ द कंपनी, लेकिन वो खातून ने कोई मेरे ख्याल में ब्लड टेस्टिंग डिवाइस कोई तैयार कर रही थी और उसको कोई 4-1 साल जो है ना शायद कैद की सजा हुई थी फॉर शेयरिंग एक्चुअली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विद द क्लाइंट्स ताकि उसके कंपनी की जो है ना वो चीजें बढ़ जाए। उस तरह की जारी बात है, these types of things can happen। ये देखिए ना जैसे यहाँ पे भी ये न्यूज भी आ गया था, जब इन्होंने क्या किया कि इनको पहले से बताना होता है कि अगर इन्होंने कोई चीज सेल करनी है, कोई स्टॉक्स अपने सेल करने हैं, डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स लेवल लोग जो होते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी पहले से बताया हुआ था कि इस दिन ये लोग अपने स्टॉक्स को बेचेंगे, लेकिन उसको भी किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि जैसे इन्होंने न्यूज जो थी वो विदहोल्ड करके रखी अंटिल दैट डे जब इनका स्टॉक बेचने का लगा हुआ था, तो उस दिन उन्होंने स्टॉक, तो उसकी वजह से क्या हुआ, नोटिफाइज इन्वेस्ट, ये जो इनकी इनकी लीगल फर्म है नोटिफाइज इन्वेस्टर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग पॉसिबल सिक्योरिटीज फ्रॉड वायोलेशन बाय सर्टेन ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ मॉडर्ना, तो इनके खिलाफ भी लेकिन ये जून 11th की न्यूज है, तो और उसमें क्या है ये देखें, ये इनसाइडर, अच्छी बात ये है कि ये इन सब चीजों का पता होता है, मतलब दीज आर ऑल, दिस इज ऑल पब्लिक डेटा कि जिसमें इनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, उन्होंने ऑलरेडी अपने स्टॉक्स लगाए हुए, तो उनकी आर्गुमेंट ये है कि हमने ये पहले से कई महीने पहले हमने ये ऑर्डर्स जो थे सेल के लगाए हुए थे, हर किसी को पता था कि इस दिन हमने इतना शेयर बेचना है, तो हमारे पास जैसी न्यूज आई हमने उस न्यूज को रिलीज किया, हमारा तो कुछ अगर आप अच्छा मेरा इसमें सेकेंडरी क्वेश्चन है, मैं वही कर लेता हूँ अभी, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप एक दिन जो है ना वो अगले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में यू कुड एक्चुअली जैसे हाईलाइट कि इसमें जो है ना वो जो मैनिपुलेशन होती है फ्रॉम द कंपनीज, जिस तरह इसमें इन्होंने एक तरह की जो है ना वो थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है, पिछली न्यूज में भी मैंने बताया कि उनकी जो है ना वो डिवाइस वॉज नॉट एक्चुअली जैसे डूइंग द थिंग्स व्हिच दे क्लेम्ड इन द न्यूज और अपने शेयर्स बढ़ा दिए थे, तो इस तरह जो है ना 4-5 चीजें कौन सी हैं जिसमें जो है ना कंपनीज इट्सेल्फ या उसकी मैनेजमेंट जो है ना वो मैनिपुलेट करती है, इस पे आप किसी दिन जो है ना वो कुछ एग्जांपल्स के साथ जो है ना एक लेक्चर नेक्स्ट वीक या वीक आफ्टर में दे दीजिएगा, क्योंकि जो है ना कंपनीज जो चलो नॉर्मल ट्रेडिंग में ऊपर नीचे जाती है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो सडनली बहुत ऊंची चली जाती है सडनली बहुत नीचे चली जाती है, those are actually जो है ना वो एक तरह की high risk और high profit वाली चीजें भी होती है और sometimes जो है ना उनमें investment भी हो जाती है किसी बड़े आदमी की और वो suddenly पैसे कमा के निकल भी जाता है, मतलब कि ये mechanism को they misuse the mechanism और जो है ना public के पैसे फंस जाते हैं, बाद में जो है ना मसला होता है, तो risk पे अगर आप जो है ना वो अगले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में कोई मतलब 4-5 टाइप्स के किस तरह की चीजें जो है ना मैनिपुलेशन बैक एंड पे होती है उस पे अगर देंगे तो दैट विल बी वेरी यूजफुल। जी इंशाल्लाह। ओके थैंक यू। यू वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। नवीद भाई एक एग्जांपल मैंने आपको देनी है एक कंपनी की U1 की अर्बन वन जो जिसकी काफी बहुत से पहले उसकी हाइप थी उसकी, अगर आप टाइप करेंगे ना U1 तो उसके एक दो टिकर आएंगे, एक U1 आएगा U1K आएगा एंड द बोथ आर द सेम कंपनी है एंड द बोथ आर द सेम ईच एंड एवरीथिंग एम्प्लॉय सेम है, व्हाई देयर इज इट, उनके दो टिकर क्यों है? अर्बन वन तो एक उनका हाइप चला गया था लाइक जब वो एक प्राइस निकल गई थी मेरे हाथ से, मैंने उसको सेफ नहीं किया कि मैं उसको चेस करूं, फिर आई कम टू द U1K, वो भी काफी
अप ट्रेंड था वो, और उसको मैंने अप ट्रेंड जाते हुए मैंने उसको पकड़ लिया. I was making profit. Instead of coming out from the profit, I just stay there, just for a bit longer time, and then it suddenly dump. और उसने काफी बड़ा उसने dump मारा है, like from like $5-6 to $5 to $6-6 to $6.50, then all the way down to the $2.33 now, but more less than $2.19 I think, I believe $2.09. Why is that? तो एक तो ये जो multiple companies नजर आती हैं ना, तो ये शेयर की टाइप्स होती हैं. आपने शायद सुना हो प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक, तो उस तरह से उसकी बेसिस पे भी मुख्तलिफ कंपनियों की मल्टीपल लिस्टिंग्स हो सकती हैं कि किस तरह का स्टॉक जो है वो डील कर रहे हैं. जो जहां तक कीमत की अचानक इतनी फ्लक्चुएशन बगैर किसी मेजर न्यूज के है, तो उस तरह के स्टॉक्स को बाजू का एक टर्म इस्तेमाल होती है पंप एंड डंप. तो हाँ, तो वो पंप एंड डंप टाइप वाली स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो लीगल होती हैं, दे आर नॉट इलीगल. तो वो ये होता है कि किसी ना किसी न्यूज की बेसिस पे अपने आप को वो किसी लिस्ट के अंदर ले आते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी एक दो जिक्र किया था कि जैसे इसको देखें हम, अगर वही CNN मनी वाला जो डेटा था कि यहाँ पे ये देखिए, अच्छा नहीं अब तो नहीं नजर आ रहा इसके ऊपर, लेकिन अगर हम जाएं ये जो एक और लिंक था द स्टॉक मार्केट वॉच का, ठीक है, उसमें प्री मार्केट में अगर आप जाएं तो प्री मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं कि मिलियंस ऑफ शेयर्स बेच के कोई कंपनी इस लिस्ट के अंदर आ गई है, तो वो तो चले ठीक है बात बनती है. लेकिन अब ये देखें इनोवेलन होल्डिंग्स 16 स्टॉक्स बेच के इस लिस्टिंग के अंदर आ गई है. अब अगर कोई वॉल्यूम को नहीं देख रहा और समझता है कि यार ये टॉप गेनिंग स्टॉक है और 27%, तो लेट मी गो अहेड बाय सम ऑफ दिस, तो इस तरह की चीजें जो है can cause problems. So companies jo hai bazo ka is tarah ke manipulative tools jo istemal karti hain to end up in a list that people are watching, aur uski wajah se unko kuch na kuch boost milta hai by the time people realize ke ye nahi khareede. Fir ye hai ke kai kafi sari buying jo hai wo automated buying bhi hoti hai, ke log bajaye iske ke khud dekhne ke unhone apne bots lagaye hue hote hain, wo dekhte hain ke acha is list ke andar ye companies aayi hain, to they will go ahead and invest $1,000 बगैर indiscriminately $1,000 in each of these companies, and then they monitor. वो bots जो हैं वो खुद monitor कर रहे होते हैं, देखते हैं कि अच्छा अब इसकी price तो कम होना शुरू है, तो फिर अचानक से वो बेचना शुरू करते हैं. जब वो बेचना शुरू करते हैं तो उसकी कीमत और ज्यादा कम हो जाती है. तो वो जो pump होता है वो bots की वजह से होता है, और bots की वजह से ही dump होना शुरू हो जाती है. तो these types of manipulations are not uncommon, and this is why we do the analysis. ताकि हमें इन चीजों की समझ आना शुरू, फिर उन कंपनियों का भी पता चलना शुरू हो जाता है कि कौन सी कंपनियां जो है इस तरह की डर्टी टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल करती हैं. That was my mistake. That was my biggest mistake I did so far. Like, yeah. I haven't researched about the company. Right. I haven't analyzed the company. Exactly. So that, because I was thinking that if a U1 is going up, similarly U1K is the same company with the same number of employees, they are also going up. And the major mistake I did, I was in the profit, I was in the green line, I was making a good profit on that. Instead of coming out and taking the profit, I just say like maybe I hold more, maybe I can get more profit. That was a mistake I did. Exactly. So, इसीलिए tiers में we'll talk about tier buying and tier selling. कि जब आपको कुछ profit मिलना शुरू होता है ना, तो you start to sell parts of the stock. You don't sell all of it at one point, but you start to sell some of it. ताकि आपका जो profit हो चुका है उसको तो lock in कर लेना. और लेकिन कुछ लेके भी बैठे हैं कि अगर ऊपर चली जाती है तो you still have some stock left over. तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन अगर वो नीचे आ जाए तो एटलीस्ट आपने जो मेन प्रॉफिट बनाया था वो तो आपने टेक आउट कर लिया. तो दोस टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल टॉक अबाउट दोस स्ट्रेटजीज. अभी तो ये पहला हफ्ता चल रहा है ना हमारा इस कॉन्वर्सेशन का, तो
मेरा एक क्वेश्चन है, मैं वैसे ही जर्मन वेबसाइट्स देख रहा था, वहां पर जिस स्टॉक्स का सिस्टम चल रहा था, क्या ये पॉसिबल होता है कि जैसे एक इंडेक्स ग्रुप बना होता है 10 कंपनियों का, 15 कंपनियों का, 20 कंपनियों का, मैं डायरेक्ट उस ग्रुप का ही स्टॉक खरीद लूं, एट द एंड जो ऊपर प्रॉफिट आता है लॉस जाता है? यस, उनको वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, काम कैसे करते हैं? फंड्स होते हैं, फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कहते हैं उनको, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड फंड्स कहते हैं, there are different terminologies for those types of funds. So तो वो भी, that is also a pretty good strategy कि आपको individual कंपनियों से डील करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप एक फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं. अब ये भी होता है कि कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स की व्हीकल्स और कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ अलाउ ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है. जैसे एक ऐप है, I don't remember the name. Let me see. Can't remember exactly. एक अभी नई, it's a relatively new app, जो आपको अपने फोन से basically young लोगों के लिए, उन्होंने develop millennials के लिए, for them to start investing. And उसमें सिर्फ आप खरीद ही funds सकते हैं, आप you cannot buy individual stocks. इसी तरह से कुछ retirement accounts होते हैं. रिटायरमेंट अकाउंट्स के अंदर आपको एम्प्लॉयज को ये समझते हुए कि लोगों को बहुत ज्यादा समझ नहीं होगी स्टॉक मार्केट की, तो एक इजी तरीका जो है वो उनको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड फंड का करवा देते हैं कि बस उस फंड में आप कर दें. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू वन क्विक एग्जांपल हियर. एक फंड है, उसे कहते हैं यूएसओ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑयल फंड. अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑयल फंड जो है, इसके अंदर Let me see. USO profile. United States Oil Fund. ये Yahoo Finance के ऊपर से आ रहा है. ये देखिए. Profile. इसके 4.8 billion dollars के assets हैं. Total return इस वक्त जो है इसकी -72% है, because oil की situation जैसे चल रही है, जिन लोगों ने long term लगाए हुए थे उनकी उनको तो मुश्किल है ना इससे आजकल, oil के किसी भी fund से. लेकिन जो आजकल खरीद रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है. Summary. होल्डिंग्स, हाँ, होल्डिंग्स के अंदर अगर आप देखें तो ये लोग बेसिक मटेरियल, ये लिस्टिंग कंप्लीट नहीं है इसके ऊपर. The investment seeks the daily changes in percentage terms of its shares per share to reflect daily changes in percentage terms of. इसके अच्छा, मैं आपको I was trying to find some public resource, लेकिन public resource मुझे कोई मिल नहीं रहा. मेरा जो अपना तरीका कार है वो ये है कि मेरे पास Fidelity
इन्वेस्टमेंट्स का एक अकाउंट है, उसमें जाके मैं ये सब रिसर्च करता हूँ. तो आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव एक्सेस टू दिस और नॉट, बट न्यूज एंड रिसर्च म्यूचुअल फंड्स. तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में मैं गया और यहाँ पे अगर किसी फंड को मैं उठाऊं, ये देखिए, ठीक है, ये एक इनका म्यूचुअल फंड है, फिडेलिटी सिलेक्ट सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज पोर्टफोलियो. अब इसको अगर मैं क्लिक करूं तो मुझे इसकी जो डिटेल बताएगा, यहां पे ये देखिए कि ये लोग, अगर आप इस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस फंड के अंदर, तो वो क्या करते हैं, आपके पैसे को लेके मुख्तलिफ कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, तो ये इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं. टॉप 10 होल्डिंग्स का मतलब ये कि इन कंपनियों में 63% इनका जो फंड के जो पैसे हैं वो लगे हुए हैं. फंड की टोटल वैल्यू कितनी है, फंड की टोटल वैल्यू ये रहा, $9 billion का ये एसेट है. दिस इज इन मिलियंस, राइट? सो 9,000 million का मतलब $9 billion का फंड है ये. उस 9 billion में से 63.22% इज इन्वेस्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, वीजा, सेल्सफोर्स, पेपैल, मास्टर कार्ड, गूगल, कॉग्निजेंट, ऑटोडेस्क एंड ओरेकल. अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो इसके अंदर आगे जाके देख सकते हैं कि टोटल कंप्लीट लिस्ट ऑफ कंपनीज. हाँ, ये रही, तो यहाँ पे भी टोटल 64 होल्डिंग्स हैं इनकी, 64 कंपनीज में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, लेकिन ये कि टॉप 10 होल्डिंग्स ये हैं यहाँ पे. अच्छा, इसी तरह से किस तरह के सिस्टम्स में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर 31% लगाया हुआ है. एप्लीकेशन इन्वेस्ट करते हैं, कोई मिनिमम लिमिट होती है या जितने मर्जी आप इन्वेस्ट करें? राइट. तो अब मुख्तलिफ म्यूचुअल स्टॉक्स की मुख्तलिफ लिमिट्स होती हैं. इनकी लिमिट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ. थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. मतलब ये इसको मैं डेली बेसिस पे चूंकि नहीं करता, तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कहाँ पे. हाँ, ये आई थिंक वो ढूंढना पड़ रहा मुझे कि कहाँ पे ये चीजें. हाँ, मिनिमम्स जो हैं, नहीं, अच्छा, इसका एक और तरीका जो है वो ये है कि ये आपके पास ये टिकर आ गया ना इसका, FSCSX, राइट? तो इस टिकर को पकड़िए आप, थिंकर्सम में चले जाएं, थिंकर्सम में इसका डेटा पुल कर लिया. इसमें जाके अगर आप बाय का क्लिक करेंगे तो यहां वो आपको दिखाएगा कि ये मिनिमम जो है $1,000 से शुरू होगी इसकी इन्वेस्टमेंट. इवन दो इसकी प्राइस जो इस वक्त 2295 पे चल रही है, 2268 पे, राइट? इसका पर शेयर जो है, लेकिन मिनिमम इसकी इन्वेस्टमेंट जो है $1,000. $1,000 से कम पे आपको खरीदने भी नहीं देगा. इसी तरह से कई हैं जो 10,000 की मिनिमम लिमिट होती है, या 50,000 की मिनिमम, या $100,000 मिनिमम लिमिट होती है, उस पे तो आप स्टार्ट करते हैं. फिर उसके बाद ऑटो पायलट पे होता है, आपको पता है कि उसका कोई ना कोई फंड मैनेजर है. इसका प्रोस्पेक्टस, let me bring in the prospectus. हाँ, इसमें जरा ज्यादा कंसोलिडेटेड चीजें लिखी हुई होती हैं. तो लेट्स सी, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का है, सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज पोर्टफोलियो. ओके, इसका फंड मैनेजर कौन है?
पोर्टफोलियो मैनेजर जो है उसका नाम है अली खान, हैज मैनेज्ड द फंड सिंस जुलाई 2014. ठीक है, तो ये बंदा बैठ के पूरे फंड को मैनेज कर रहा है कि किस कंपनी में से कितना निकालना है, कितना डालना है, किन कंपनियों में डालना है. ठीक है, तो इसके पास वो $9 बिलियन मौजूद हैं. तो दिस पर्सन मेक्स दोस डिसीजंस. उसकी मैनेजमेंट फीस जो है 0.54% है और अदर एक्सपेंसेस निकाल के 0.17%, तो टोटल 7.1% इसके एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. तो ये फीसों का भी आपको जहन में रखना होता है बिकॉज समबडी एल्स इज मैनेजिंग योर फंड्स. ओके, अब कितनी तरह की कंपनियां हैं, कितनी तरह के ये फंड्स हैं? तो ये तो सिर्फ एक कंपनी की तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूं कि लेट इट कम. तो ये था सिलेक्ट सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज, इसी तरह से सिलेक्ट टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो, इंस्टीट्यूशनल फंड ट्रस्ट डिस्कवरी, मॉर्गन स्टैनली इनसाइट फंड, हेल्थ केयर का हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस फंड, अल्ट्रा ग्रोथ फंड, बैरन अपॉर्चुनिटी फंड, रिटेल क्लास. ठीक है, तो इस तरह ये थाउजेंड्स ऑफ दीज एग्जिस्ट. देखें 36 पेजेस की लिस्ट है ये. तो इसी में जैसे ऑयल का फंड होता है, एनर्जी सेक्टर, excuse me, Vivek bhai. Yeah. Is it kind of scary if you invest in these kind of funds because you have no idea where they're going to invest your money? They can invest in any bank or any alcoholic business. Right. So that's why, you can pick a fund in a sector ke jisme aapko koi mushkil na ho, koi pareshani na ho. Jaise, I invest in oil sector. To wo oil sector ke andar सिर्फ ऑयल कंपनीज के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी ब्रिंग इट अप, खुलता तो डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ बैलेंसेस. तो ये देखिए, अब जैसे यहाँ पे जो तीन चीजें जहां पे हैं, एक तो ये कैश रिजर्व है, तो कैश रिजर्व तो इज जस्ट कैश. सिलेक्ट एनर्जी एंड सिलेक्ट एनर्जी सर्विसेज, ये दो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें इन्वेस्टेड है. तो अब इनमें से किसी भी कंपनी को अगर मैं खोल के देखूं, एक्सक्यूज मी, किसी भी फंड को खोल के देखूं, तो उस फंड की डिटेल्स जो हैं ये, तो यहां देखिए कि 71.47 ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो जो है वो श्लम्बर्गर, बेकर हजेस, टेक्नी पीएफ एमसी, चाइरिन एनर्जी, हेलबर्टन, नेशनल एनर्जी सर्विसेज, ड्रिल इक्विपमेंट, कैक्टस इंक, ओशियानिक. So I have to go through all of these companies and I have to see ke bhai ye companies kya karti hain. So these are all oil companies. Ye uske equipment banati hain, ye services provide karti hain, unke andar ye paisa invest hota hai. Iska fund manager jo hai Maurice Fitzgerald hai. She's been manager since 2018. Aur ye uski mukhtalif prospectus ki information yahan pe maujood hai. ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर आपने इसमें पैसा लगा के छोड़ दिया था कई सालों तक तो बहुत बुरी हालत है, वेरी नेगेटिव नंबर्स, बिकॉज ऑयल के साथ जैसे सिचुएशन चल रही है आपके सामने. तो लॉन्ग टर्म अगर देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल रेड.
उनमें तो कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो है ये मार्च में जाके कहीं करी थी तो ऑब्वियसली यू आर मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन दीज स्टॉक्स। इसी तरह से ये सिलेक्ट एनर्जी कंपनीज हैं, अब वो सर्विसेज थी, ये एनर्जी कंपनीज हैं। अब इसके अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स जाके देखें तो इसमें शेवरॉन कॉर्पोरेशन है, एक्सॉन मोबिल, बीपी ब्रिटिश पेट्रोलियम, कोनोको फिलिप्स, वेलेरो, पाइनियर नेचुरल गैस, ईओजी रिसोर्सेज, बेकर हजेस, फिलिप्स 66। सो ये सारे के सारे जो है गैस स्टेशन बेसिकली मुख्तलिफ तरह की चीजें रन करते हैं। तो बेसिकली ऑयल इंडस्ट्री है, तो आई एम ओके विद दैट। इसी तरह से अगर आईटी इंडस्ट्री के अंदर करना है, सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो दैट वुड बी अ गुड सेक्टर। लेकिन अगर कोई रिटेल सेक्टर की बेसिस पे म्यूचुअल फंड बना हुआ है तो उससे आई विल ट्राई टू अवॉइड इट, कि अगर वॉलमार्ट के अंदर कोई किसी भी फंड में वॉलमार्ट में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तो आई विल नॉट टच दैट फंड। तो चॉइसेस जो है वो इतनी ज्यादा है, मतलब अभी आपको दिखाया कि खाली फिडेलिटी की तरफ से जो है देयर मोर देन 3800 फंड्स। तो आप उसमें से यू कैन फाइंड अ फंड जो आपके रिलीजियस बिलीफ्स के साथ अलाइंड हो। मुइन, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस यस। ओके, एक और क्वेश्चन है, जैसे आप कह रहे हैं कि ऑयल इंडस्ट्री जो है इस वक्त डाउन जा रही है, तो आपने इसमें इन्वेस्ट क्यों किया है अभी, क्या रीजन हो सकती है? मेरी रीजनिंग ये है कि यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ ऑयल anytime soon, ठीक है? तो ultimately oil जो है ये basic necessities में शामिल है। जैसे markets खुलेंगी, economy open होगी, तो oil की demand बढ़ेगी। और oil की demand अब कैसे बढ़ेगी? देखिए, oil जो होता है इसको ना तो आप जैसे आपके kitchen में water tap है, उसको on किया पानी आने लग गया, tap को बंद किया पानी बंद हो गया। ऑयल इस तरह से नहीं काम करता। ऑयल जो है, ऑयल के जो फील्ड्स होते हैं, ऑयल वेल्स जो होते हैं, वो सक्शन बेसिस पे होते हैं। सक्शन बेसिस का मतलब ये है कि अगर उसमें से ऑयल निकल रहा है तो मजीद ऑयल साइडों से उसके सक होके आता रहेगा उसके अंदर। लेकिन अगर आपने उसकी सक्शन को बंद कर दिया, आपने ट्यूबवेल जो है उसका बंद कर दिया, सक्शन रुक जाएगी। तो अगर उसके आसपास दूसरे फील्ड्स मौजूद हैं जिनमें सक्शन अभी भी चल रही है, तो ऑयल उनकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब लेट से आपने एक महीना उसको बंद रखा, महीने के बाद आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो चांसेस आर कि उस ऑयल में उस कुएं में कभी ऑयल नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑयल दूसरी जगहों पे उसने अपना रास्ता बना लिया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल की प्रोडक्शन को ना तो स्टॉप करना इतना आसान होता है और ना ही उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करना इतना आसान होता है। आपके सामने ऑयल की प्रोडक्शन को स्लो करते करते भी कितने 6 महीने लग गए, राइट? अब जाके कुछ ऐसी लेवल पे पहुंचे हैं कि ऑयल की प्रोडक्शन और डिमांड जो है उसमें कुछ बैलेंस आना शुरू हुआ। अब जब मार्केट्स खुलना शुरू होंगी तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ते बढ़ते भी 6 महीने लग सकते हैं या ज्यादा। तो इस दौरान क्या होगा, डिमांड बढ़ रही है, ऑयल की प्रोडक्शन तो उतनी है जितनी इस वक्त मौजूद है, तो कीमत बढ़ जाएगी उसकी, राइट? और अगर जब कीमत बढ़ना शुरू होगी तो ऐसे एस्टिमेट्स भी हैं कि जो ये कह रहे हैं कि जो $38 का बैरल चल रहा है आज, दिस प्राइस कैन टच $190 अ बैरल। तो अगर ये 190 बैरल्स अ डॉलर तक पहुंच जाती है इसकी कीमत, तो दैट्स अ ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स ग्रोथ इन दैट सेक्टर। अब जब उसकी प्राइस बढ़ेगी, जाहिर बात है लोग फिर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी, बट लाइक आई सेड कि प्रोडक्शन बढ़ाना जो है वो भी आसान काम नहीं है। तो इट्स नॉट अ क्विक इंक्रीज कि आपने बटन ऑन किया और ऑयल बहना शुरू हो गया। So it does not work like that in the oil industry. So ultimately, my hope is that this will increase. So ab khali is ek account ke andar agar aap dekhen, to fluctuations zahiri baat hai maujood hain. Jab June 8th ko market jo thi bahut high thi,
before dropping back, तो उस वक्त देखिए क्या हुआ था। उस दिन यार मैं ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता इसमें, ये डेली उसका नहीं है। हाँ ये रहा बैलेंस चार्ट, कि अगर आप वन ईयर चार्ट देखें या खाली वन मंथ का चार्ट भी अगर देखें, तो इस वन मंथ के चार्ट में मेरा बैलेंस जो है $151,000 तक पहुंच गया था, ये June 8th को, राइट, June 8th $151,000। लेकिन फिर उसके बाद जैसे मार्केट डाउन होना शुरू हुई है, फिर ये कोरोना वायरस के इश्यूज दोबारा आना शुरू हो गए कि लुक्स लाइक विल बी क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये फिर नीचे जाना शुरू हो गया, 136 पे आ गई, 121, 118। वन ईयर चार्ट देखें तो मैंने 88,000 से शुरू किया था, तो 88,000 से 118 तक आई स्टिल मेड व्हाट ऑलमोस्ट $30,000, राइट। तो $30,000 को तो अभी भी प्रॉफिट है इसके अंदर, लेकिन ये कि यहाँ पे वो प्रॉफिट जो था वो मैक्सिमाइज था। अब इन फंड्स के साथ ये भी मसला होता है कि इन फंड्स को आप कितना फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो यू नो विच मेक्स इट अ लिटिल बिट मोर अनकंफर्टेबल सिचुएशन फंड्स में पैसे लगाने के, क्योंकि अगर आप ये फंड इट ओनली अलाउज यू टू ट्रेड वंस एवरी क्वार्टर, एक क्वार्टर में आप एक दफा इसको बेच के दोबारा खरीद सकते हैं। अगर आप उसे ज्यादा तेजी से करेंगे तो वो आपके ऊपर पेनल्टीज वगैरह जो वो लगाना शुरू कर देते हैं। तो नॉट ऑल फंड्स डू दैट, कुछ इलेक्ट्रॉनिक फंड्स जो है वो ऐसे हैं कि जो यू कैन जस्ट बाय एंड सेल, यू कैन गेट इन गेट आउट नो प्रॉब्लम। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप USO को देखें तो USO में आप यू कैन बाय एनी टाइम, उसके ऊपर कोई लिमिट भी नहीं है, your money gets distributed over several companies. So for example, agar iske 10 share khareedne ho to I can go, I can make a market order or limit order, I can confirm and send and buy it at $27.38, right? I don't want to buy it right now because inka maine kuch padha abhi pichle dino ke काफी सारा इनका बिजनेस जो है वो सूद पे बेस करता है, तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया इसके अंदर। तो बट इफ आई वांटेड टू बाय दिस फंड इज अवेलेबल एट एनी टाइम, आई एक्चुअली हैव अ डेडिकेटेड लेक्चर फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड्स ETFs के ऊपर, तो यू विल गेट अ लॉट मोर डिटेल ऑन दैट व्हेन वी गेट देयर। ओके, any questions? मुझे एक क्वेश्चन था जो आपने वो वेबसाइट जो आपने बताई थी openinsider.com की, तो उस पे हम जाके देख सकते हैं कि मतलब इनसाइट देख सकते हैं कि कंपनी की मतलब CEOs, डायरेक्टर्स सेल कर रहे हैं बाय कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हम अपनी ट्रेड या अपने जो है ना बाय और सेल स्ट्रीमलाइन करें। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि उसमें जब वो प्रपोज करते हैं मतलब उनको सेल करने हैं, तो वो कुछ मतलब वो उसमें डिटरमाइन करते हैं कि किस वैल्यू में वो सेल करेंगे, और अगर लेट्स से वो वैल्यू उनको नहीं मिल रही तो वो सेल नहीं करेंगे, उसका क्या थोड़ा डिटेल्स होंगे उसमें? I'm not sure actually कि वो उनको limit order लगाने की इजाजत होती है या नहीं होती, I'm not sure about it. But there is a possibility that they may be able to put a limit order. Or bottom line ये है कि it has to be a public, it has to be publicly disclosed information कि वो कोई trade करना चाह रहे हैं या कोई trade कर ली है उन्होंने, तो इट हैज टू बी पब्लिक ताकि वो अपनी इनसाइडर इंफॉर्मेशन की बेस। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी कंपनी के खिलाफ कोई लॉ सूट हो रहा है,
अब जाहिर बात है जो कंपनी के अंदर मौजूद है उनको तो पता है ना कि लॉस आउट हो रहा है, लेकिन अभी तक वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है. जैसे न्यूज उसकी आएगी तो उसका स्टॉक वैल्यू जो है वो बहुत तेजी से ड्रॉप होगी. तो ये इलीगल है उनके लिए कि वो किसी को बताए बगैर अपना स्टॉक बेचते हैं, तो दे हैव टू पब्लिकली डिस्क्लोज इट. लेकिन न्यूज को वो इस तरह से वो कर सकते हैं, और ये कई महीने पहले से होता है कि यू नो इन 3 months कितना स्टॉक बेचना है, तो वो पहले से एग्जिस्ट पहले से वो उनको बताना पड़ता है. तो इतना इन एडवांस जो है थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन तो हो सकती है, लेकिन ये कि एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो मैनिपुलेशन जो है वो बहुत कम होगी. तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो इलीगल है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने का ये एक मैकेनिज्म है. अब उसमें ये कि क्या वो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई वुड से कि शायद हो सकता है कि लिमिट ऑर्डर भी लग सकते हो, बट आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दैट. I'll find out inshallah in the next class. If you remind me, I'll get you the answer. Thank you. Yeah. Okay. So, चलिए 10:30 हो रहे हैं. तो let's अगर कोई burning questions हैं तो let me know. Okay. So, inshallah, we'll pick it back up on Monday, inshallah. So, in the meanwhile, आज का दिन है. आज let's say इस वक्त market की क्या situation चल रही है? इस वक्त जो है market सारी down है. All three indices, Dow, Nasdaq. S&P all are down. So you know, this may be a good time. Today could be a good buying day. But again, like I said, कि जब आप खरीदते हैं तो भी इस चीज को ज़हन में रखें कि आप किस तरह के कंपनियों से खरीद रहे हैं, किस तरह की कंपनियों का स्टॉक आप खरीद रहे हैं, कि वो कंपनियां खुद कहीं bankruptcy की तरफ तो नहीं जा रही हैं. अगर सिर्फ market fluctuation की वजह से उनकी कीमत ऊपर नीचे है तो it's okay. लेकिन ये क्या कोई मेजर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए. चलिए ओके, आई विल सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह. जी, हूज द असिस्टेंट मैनेजर? असिस्टेंट मैनेजर फॉर व्हाट? इज एनीवन आई कैन टॉक टू हर? ए नवीद, एक छोटा सा क्वेश्चन है. जी श्योर. जैसे यहाँ पे एक कंपनी लिस्टेड है, स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव है, फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल है 350 या गूगल है 1400 का, राइट? ऐसे भी कोई कंपनी लिस्ट मिल सकती है जिनके स्टॉक की प्राइस बहुत कम हो? या ऑफ कोर्स. वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लिस्ट ऑफ उनमें? ये तो अब ये भी डिपेंड करता है ना कि खाली आप मसलन एक सेक्टर होता है, पेनी स्टॉक कहते हैं उसके सेगमेंट को. पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि कुछ सेंट्स में वो मिल जाते हैं शेयर्स. मसलन आपने किसी इंडस्ट्री में करना है तो उस इंडस्ट्री के अगर आप लिस्ट को पुल कर लें, लेट्स गो टू मार्केट वॉच. मार्केट वॉच में टॉप स्टॉक्स, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अगर आप चले जाएं तो यहाँ देखिए ये उनकी लास्ट वैल्यू बता रहा है, ठीक है, कि ये हर्ट्स जो है इस वक्त $1.41 का चल रहा है. लेकिन अब हर्ट्स में बिल्कुल भी I'm telling you, कोई किसी को भी जरूरत नहीं है हर्ट्स में पैसा लगाने की, क्योंकि ये कंपनी बहुत स्ट्रेंज कंपनी है. कार रेंटल कंपनी थी, इन्होंने ऑलरेडी बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर चुके हैं ये लोग. अब जब कंपनी बैंक्रप्सी के लिए ऑलरेडी फाइल कर चुकी होती है तो उसके स्टॉक को ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उसका स्टॉक सिर्फ नीचे आता है. ये देखें यहाँ पे ये लोग डील कर रहे थे $17-18 पे, अच्छा, और वहां से ये जब जैसे ड्रॉप हुआ, जैसे इनकी न्यूज आई है कि इन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दी है, तो इनका शेयर की प्राइस जो थी ये देखें
80 सेंट्स पे पहुंच गई थी, 50-60 सेंट पे पहुंच गई थी इनकी कीमत, और फिर उसके बाद से अचानक फिर दोबारा इनकी कीमत जो है वो $5-6 तक पहुंच गई थी. Let me bring it up here. ये देखिए कि काफी ऊंची, मतलब $27-28 की रेंज में इनकी कीमत चल रही थी. पर यहां पे आके क्या हुआ है कि 40 सेंट तक गया ये नीचे, राइट, 40 सेंट्स तक, और 40 सेंट से फिर ऊपर जब गया है तो ये देखें 561 तक पहुंच गया था. फिर उसके बाद जाहिरी बात है फिर कम होना शुरू हो गया. अब इस वक्त इसकी कीमत जो है 145. तो इस तरह की यानी जिस कंपनी का तो आपको पता है कि बैंकरप्सी की तरफ जा रही है या ऑलरेडी बैंकरप्सी फाइल कर चुके हैं, उन कंपनियों में तो कभी भी पैसा डालने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन थी ये इस टाइम पीरियड के अंदर कि जहां पे बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया भी है कि 40 सेंट पे अगर उन्होंने खरीदा हुआ था तो वो ऊपर $6 तक भी पहुंच गया था. So that was a huge margin, but this was a very short-lived situation. इसे कहते हैं जब कोई कंपनी इस तरह से कि $27-28 से नीचे पेनी स्टॉक में पहुंच जाती है, तो that's called a dead cat. You know, खासतौर पे जब उन्होंने bankruptcy भी फाइल कर दी है. तो जब ये चीज जो इसको dead cat jumps के स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं कि मरी हुई बिल्ली जो है वो जंप लगा रही है यहाँ पे. कुछ लोगों ने यहाँ पे जाके भी खरीदा $5-6 पे, तो अब इमेजिन करें कि उनकी क्या हालत होगी. ठीक है, तो दिस इज स्टिल गोइंग डाउन. तो जस्ट बिकॉज के उसके ऊपर ये आपको नजर आ रहा है कि उसकी कीमत कम है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई अच्छी बाय है. बट दिस इज वन ऑफ द वेज यू कैन फाइंड आउट. तो यहाँ पे ये कंपनी आती है फोर्ड मोटर कंपनी. फोर्ड मोटर कंपनी का क्या फ्यूचर है इस पे आपको सोचने की जरूरत है. इसी तरह से लूकन कॉफी हो गई, आईडेक्स हो गई, यानी यू गो थ्रू दिस लिस्ट एंड यू सी देयर लास्ट प्राइस. ये देखें, ये ज़ोमेडिका फार्मास्यूटिकल है, 23 सेंट का इनका शेयर है, $37.37 का शेयर है, $0.62 का शेयर है, $0.37 का शेयर है. अब ये मोस्ट एक्टिव कंपनीज हैं इस वक्त जिनके, ये देखें कितने मिलियंस ऑफ शेयर्स. ये $2.03 का शेयर है और 63 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है आज का इसका. ये 35 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है. तो मिलियंस ऑफ शेयर्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड at that price point. So I'm sure people are making, they're picking up thousands of these shares and selling them by the thousand as well. Ab ye dekhiye, ye company hai 6 cent ka share hai iski. To you know, you have to be careful. You can sift through this data and find those companies, but you also have to be careful. वैसे ये interesting है, एक दो share खरीदने की जगह बंदा feel करता है कि मैंने 1000 share खरीदा. हाँ, लेकिन it can be dangerous. Obviously, it is risky, but yeah, need some analysis here. तो अब आजकल actually एक नया काम इन्होंने शुरू किया fractional purchasing का. कि let's say you want to buy Amazon, but you don't have $2,700 to buy it. जैसे millennials हैं, कि हजार डॉलर के total account है, उनसे शुरू कर रहे हैं वो. तो उन्होंने उनको fractional स्टॉक्स भी खरीदने की इजाजत है. अभी बिल्कुल दिस इज समथिंग न्यू, पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर ये काम शुरू हुआ, मे बी अ मंथ. तो उसमें क्या करते हैं, बजाय आप एक शेयर खरीदने के, आप बताते हैं कि $500 का जो भी फ्रैक्शन मिलती है मुझे उतना खरीदने दो. तो ऑब्वियसली अमेजॉन, वॉलमार्ट, यू नो, जूम, दीज टाइप्स ऑफ, फेसबुक, Tesla, these are the very popular companies among those types of purchasers. So that is a new phenomenon that has recently started. But ये splitting कब करते हैं? Splitting जो है, हाँ, splitting भी हो सकती है और inverse split भी हो सकता है. ये होता है कि जब
आपकी वैल्यू वही रहती है. मसलन अगर आपके पास एक स्टॉक था अमेज़न का और अमेज़न ने अपने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया, तो नाउ ईच ऑफ द शेयर विल बी हाफ ऑफ 27, बट यू विल नाउ ओन टू शेयर्स. तो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट प्ले इनटू रूल. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के एट दिस पॉइंट दे विल स्प्लिट. Amazon is not splitting it, you know, they are letting it ride, you know, they are letting it. तो उसको उन्होंने alternatively ये कर दिया ना कि they have made it into fractional purchasing. तो अगर आप fractionally purchase कर सकते हैं तो क्या जरूरत है उसको split करने की. लेकिन इसी तरह से reverse split भी होते हैं, जैसे 6 cent का 10 cent का share है, आपके पास 1000 share हैं, वो कहते हैं कि जी हमने 1-4 उसको reverse split कर दिया, तो अब आपके number of shares जो हैं वो 1/4 हो जाएंगे. और लेकिन वैल्यू जो है इट शुड रिमेन द सेम. लेकिन यूजली रिवर्स स्प्लिट के अंदर कीमत फिर दोबारा से कम होना शुरू हो जाती है. तो इट्स अ विशियस साइकिल, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट. तो वी यू नो लाइक आई सेड वी आर जस्ट इन द बिगिनिंग राइट. अभी तो पहला हफ्ता है ना हमारा इस कॉन्वर्सेशन को शुरू किए हुए. So as we go along, you'll get to see a lot more examples. You'll see those stocks in action. कि उन stocks के साथ क्या हो रहा है. Okay. Thank you. चलिए. Thank you very much, everyone, for joining in. I look forward to seeing you on Monday morning. Inshallah. Okay. Assalamu alaikum. Thank you, Naveed. Thanks. Allah Hafiz ji, thank you very much.